वेलकम गाइस आईटीएल पर वीडियो में आरएमएक्स 3265 और रियलमी C25Y, इसके अंदर हैंग टच की प्रॉब्लम आ रही है, टॉल बैक कर रहा है। तो ये आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे मैं बता देता हूँ, बहुत इजी है। सेम तरह से प्रोसेस करना तो आपके ये प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाएगी, आरएमएक्स 3265, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, बहुत इजी है, सेम तरह से प्रोसेस करोगे तो आपकी ये प्रॉब्लम भी जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। जैसे स्टेप मैं आपको बताऊँगा सेम फॉलो करना और आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो अभी देखो मैं इसकी टच चलाऊंगा तो ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। ये देखें, ये हैंग कर रहा है, कुछ भी ओपन कर रहा है ये अपने आप से। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको करना क्या है, टू फिंगर का यूज़ करना है। टू फिंगर का यूज़ करेंगे तो आपकी टच जो है वो प्रॉपर काम करने लगेगी, ठीक है। ये देखें अभी मैं टू फिंगर चला रहा हूँ, टच चल रही है। अभी यहाँ पे देखें ये थोड़ा सा बॉक्स बन बन के आ रहा आगे पीछे, तो ये बॉक्स की दिक्कत दे रहा है। अभी हम टू फिंगर का यूज़ करेंगे तो ये टच प्रॉपर काम करेगी। तो ये जब काम करने लग जाए तो आपको इसको सिलेक्ट करना है, ऐसे नॉर्मली सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करने के बाद आपको डबल टैप करना है स्पीड में, तो ये सेटिंग आपकी ओपन हो जाएगी। फिर आप सिंगल फिंगर से ना जाएं, टू फिंगर का यूज़ करना। ये देखिए रियलमी C25 यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ नीचे होगा एक्सेसिबिलिटी, ये रहा एक्सेसिबिलिटी, इसको आपको टच करना। ये देखिए ये टच करने के बाद ये ऑप्शन आपका आ जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ देखें सेलेक्ट टू स्पीक में हमारा ये जो है ऑफ दिखा रहा है, ये टॉल बैक जो है ये हमारा ऑन है, ये टॉल बैक। तो इसको हम सिलेक्ट करके डबल टैप करेंगे और ये ऑप्शन आएगा, फिर इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इसको डबल टैप करते हैं, यहाँ से स्टॉप का ऑप्शन आ जाएगा और ये प्रॉब्लम जो है हमारी सॉर्ट आउट हो गई है, ठीक है गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आईटीएल पर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।